हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईटेक चैनल, ईटेक ट्यूटोरियल्स फॉर एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एस्पायर सॉफ्टवेयर के ट्रांसफॉर्मेशन के फीचर्स के बारे में समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे पास है मिरर सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मिरर करना चाहें, लेट से एक और शेप हम यहाँ पर बना लेते हैं इस तरह, मिरर ऑप्शन में आ जाते हैं। मिरर के लिए हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, लेट से दिस। अब इसके बाद हमारे पास इसमें टॉप मिरर भी है, अगर हम इसको ऊपर की तरफ सेम मिरर करना चाहें तो कर सकते हैं इस तरह। देखें, वो कॉपी हमारी ऊपर की तरफ मिरर हो गई। और अगर हम इसको कॉपी करना चाहें कि हमें ओरिजिनल ऑब्जेक्ट अलग से चाहिए, तो इसको हम चेक करेंगे क्रिएट ए मिरर कॉपी और इसको टॉप पे क्लिक करेंगे। अब देखें, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी मिरर होके ऊपर आ गई। इस तरह हम जो है इसको मिरर कर सकते हैं टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम। आया कि अगर आपको ओरिजिनल कॉपी भी चाहिए तो आप इस ऑप्शन को चेक करोगे, अगर नहीं चाहिए तो आप इसको अनचेक करके इस तरह इसको मिरर कर सकते हो। सेम हमारे पास एक और शेप मौजूद है, उसको हम मिरर करते हैं टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। और अगर हम इसको कॉपी करना चाहें तो लेफ्ट 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 लेफ्ट, इस तरह देखें, ये भी मिरर हो सकता है। देन इसको हम दोबारा से सेलेक्ट करके लेफ्ट और सेलेक्ट ऑल, इन सबको सेलेक्ट करके मिरर करें बॉटम। देखें कितना अच्छा एक पैटर्न भी यहाँ पे एक जनरेट हो रहा है।